नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी का शहादत दिवस। इसी दिन बापू एक मदांध हत्यारे की गोलियों का निशाना बने थे। इसी दिन अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह और जन आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज मौन हुई थी, लेकिन गांधी के आदर्श, गांधी का जीवन, गांधी के संदेश दुनिया भर में व्याप्त हैं, कायम हैं। आज गांधी कथा की 5वीं कड़ी के साथ मैं उपस्थित हूँ। ये अरविंद मोहन की पुस्तक है। अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, 4 दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर उनका काम काफ़ी चर्चित रहा है। लगभग दर्जन भर पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। गांधी कथा में उन्होंने गांधी जी के जीवन के उन प्रसंगों को रखा है, उनके जीवन में आए हुए व्यक्तियों की बात की है, उन लोगों की, उन घटनाओं के बारे में बात की है, उनके उन आदर्शों और मूल्यों की बात की है जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। मैं लगातार इस कड़ी में कुल 5 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी जो कहने के लिए कथा हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, घटनाओं के आधार पर और यथार्थ के धरातल पर वे सत्य उतरती हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि किस्सागोई की शक्ल में उन्होंने ये बात लिखी है, इसलिए इस पुस्तक का नाम गांधी कथा रखा है। गांधी का शंभू मेला ये इस 5वें खंड का शीर्षक है और इस खंड में अरविंद मोहन ने यह बताने की कोशिश की है कि भले ही गांधी चले गए हों, लेकिन उनके जीवन के प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर जीवनीकार ने गांधी जी के जीवन के प्रसंगों को अपने अपने ढंग से देखा और अपने अपने ढंग से लिखा। यहाँ तक कि गांधी ने भी खुद अपनी आत्मकथा लिखकर अपने बहुत सारे विवरण अपने जीवन के लोगों को परोसे और इससे एक ऐसा मसाला मिला जो उनके विरोधियों के भी काम आता है और उनके पक्षधरों के भी काम आता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गांधी के जीवन को यह बताती हैं कि वे कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे बल्कि महामानव थे, और जो भी किताबें उन पर लिखी गई हैं वे इस बात को बताती हैं कि उनके जीवन के हर छोटे बड़े घटनाओं में, हर छोटे बड़े कार्यकलाप में कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ था। अब साबरमती आश्रम का किस्सा भी इसमें है। इसमें यह है कि छुआछूत को लेकर गांधी जी कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि आश्रम में किसी भी रूप में छुआछूत नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये कहना कि गांधी जी डोमिनियन स्टेट के पक्षधर थे, यह भी गलत है। चरखा सूत कपास से गांधी क्या चाहते थे, नीलहा किसानों के विद्रोह पर क्या उनकी सोच थी, आखिर वो विद्रोह खत्म होने के बाद उन्होंने वहाँ एक स्कूल की परिकल्पना क्यों की, चंपारण के इलाके में गांधी स्कूल खोलकर क्या करना चाहते थे, अहिंसा सत्याग्रह के अलावा छुआछूत, खादी, सर्वधर्म समानता क्यों उनके लिए हर विषय से ऊपर थे, हिंसा अहिंसा पर उनके विचार क्या थे और किस तरह परिस्थितियों के आधार पर गांधी जी अपनी नीतियों को भी, अपने निर्णयों को भी कई बार बदल लेते थे। वे क्यों इतने लचीले थे बहुत सारे मामलों में और क्यों वो कहते थे कि वे जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय संदेश या संकेत होता है। आखिर गांधी की जो ज़रूरत उनके समय में थी वह ज़रूरत आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण बल्कि उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से क्यों है, अरविंद मोहन इस बात को भी बताते हैं। वो बताते हैं कि गांधी अपने विरोधियों को
भी आकर्षित करते। उनको विरोध करने के लिए भी गांधी ने इतना मसाला दे दिया था कि वह मसाला आज भी और आने वाले 10, 20, 50 सालों में भी जब तक गांधी को पूरी तरह से न समझ लिया जाए काम देता रहेगा। इसीलिए इस जो कथा कड़ी है, कुल 5 खंड इसके हैं, इनकी कथाएं स्वतंत्र हैं, उन्हें अलग अलग इस ढंग से लिखा गया है कि आप कोई एक कथा भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाए। हो सकता है कि इन कथाओं में दोहराव हो, क्योंकि ये सब स्वतंत्र रूप से अरविंद मोहन ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से लिखी थी, इसलिए आपको दोहराव महसूस हो सकता है, लेकिन उनके संदेश बहुत स्पष्ट हैं। जो अध्याय इस पुस्तक में शामिल है मैं उनकी बात अवश्य करना चाहूँगा, क्योंकि 30 जनवरी है, आपको यह पता होना चाहिए कि गांधी जी ने किन मूल्यों और आदर्शों के लिए अपनी शहादत दी थी। सत्य के साथ जो उनका प्रयोग था और जिस ताकत से उन्होंने दुनिया के सबसे बलशाली साम्राज्य को पराजित किया था, उसके पीछे किस तरह का आत्मिक और नैतिक बल था उनके पास। जो अध्याय हैं उनमें भूमिका के अलावा महत्वपूर्ण आश्रम, दिलचस्प आश्रमवासी, गांधी की फटकार, नेकी की कमाई का नेक कुआं, अंग्रेजी भूत भगाने का मंत्र, बहुत पीटे थे नेता लोग भी, जेल के सामान की शान, भोजन का प्रयोग भी जीवन भर चला, गांधी और खजुराहो, डर से आगे निकल गए थे बापू, निंदक नियरे रखते थे गांधी, विवेक को सबसे ऊपर रखते थे गांधी, बर्बादी बर्दाश्त न थी गांधी को, जब गांधी झरझर रोए, चमत्कार को नमस्कार करते थे गांधी, आंदोलन की ताकत, आम जन के गांधी, भय मुक्ति का लक्ष्य, समय पर आया गांधीनामा, गांधी का हवा महल, छुआछूत को पाप मानते थे गांधी, जेलर स्मटज का बदलाव, महिलाओं का मसला और गांधी, हिंसा बनाम अहिंसा, कुछ आंखों देखे किससे, गांधी के उपवास में शामिल गोरा, गांधी का दफ्तर बना न्यारा, सिर्फ चंदा लेते ही नहीं थे गांधी, कोयलांचल से गांधी ने निकाला अमृत, थर्ड क्लास यात्रा का सुख, पाप का पाकिस्तान, गांधी जी का ये खुद का कहना था, लुटामन का इलाज, चंदे का अनुशासन, जब गांधी को जहर दिया गया, बी अम्मा और अली बंधु, अहिंसक चर्मकार बने काका वालुंजकर, और 25 साल में 50 साल का काम। इसके अलावा उपयोगी संदर्भ ग्रंथ भी इस पुस्तक में हैं। ये बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन आपको गांधी के समूचे कालखंड को खड़ा करने में सक्षम है। अगर आप गांधी जी को समझना चाहते हैं, उनके विचारों को समझना चाहते हैं, तो 5 खंड बहुत ज़्यादा मूल्य के नहीं हैं। सेतु प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। इस खंड में 174 पृष्ठ हैं, मूल्य है 225 रुपये। उम्मीद है गांधी पर आधारित गांधी कथा की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। कल इसी समय में ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर आपसे मिलूँगा। बुक कैफ़े की कोशिश यह होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों की जानकारी आपको मिल सके, उनके बारे में मेरी राय आप तक पहुंच सके, ताकि आप अच्छी पुस्तकों के चयन में आपको सहजता हासिल हो सके, मदद मिल सके। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।